कहाँ तक हुआ था, कल याद कर लीजिए क्या। याद किया है वीडियो, ये विधि जो है दो विधि का लक्षण हो गया है और सूत्र हो गया, ये जो जो हो गया वो बता दिया। विधि और विधि का लक्षण हो गया, याद हो गया क्या है? मुझे लिखा आदि सूत्र है और क्या याद करने के लिए 16 ब्राह्मणों और ऋतुजों का नाम वो याद करना है। बोल, ऋग्वेद का कौन कौन है? हाँ, कुल 16 है ऋग्वेद में। ग्रावस्तुत, उसका नाम ग्रावस्तुत। और अभी यजुर्वेद में अध्वर्यु प्रदीप प्रस्ताद, उन्नेता। सामवेद में उद्गादा प्रतिहर्ता, अथर्ववेद ब्राह्मणाचंसी, ब्रह्मा ब्राह्मणाचंसी है। उसके बाद क्या है? अग्नि, अग्निंद्र, अग्निंद्र और पौधा, पौधा उनको। हाँ, ये बोलिए। ये इसका लक्षण हो गया था विधि पूर्व सूत्र में था, विनियोग विधि का लक्षण हो गया नहीं? हो गया। विनियोग विधि क्या लक्षण है? और श्रुति लिंग वाक्य का समाख्यान, समवाये पारदवल्यम,
अभी ये 16 ऋतु अच्छा वक्त ऋग्वेद जो सामवेद में वो सामवेद में नहीं है वो यजुर्वेद अधर्म में ब्राह्मण छंसी अग्रेन्द्र अग्रेन्द्र होता जो अभिधान करने वाला जो होता है जैसे कि ज्योतिषों में स्वर्ग नाम विधात्री श्रुति है और अभिधात्री है जो वस्तु मात्र का नाम से अभिधान करती है जैसे ब्रीहीन आवन अंति और उसके बाद अभिन्योक्ति श्रुति है जो अंग और उद्धान का संबंध बताती है उसके बाद जो विन्योक्ति श्रुति है उसका भी तीन तरह से विभाजन होता है विभक्ति रूप का एक पद रूप का और एक अभिधान रूप का तो जो विभक्ति रूप आके मतलब की प्रथमा विभक्ति को छोड़कर छह अन्य विभक्तियों को उसका उसका मतलब की उदाहरण दिया जाता है जैसे की ब्रीहीन प्रोक्षति ये द्वितीय विभक्ति का है और ब्रीहीन ये तृतीय विभक्ति का है लेकिन यहाँ पे भी ब्रीहीन शब्द में अंतर होता है जो तृतीय में है वो याद का साधन है और वहाँ पे वो स्वयं साधन है और प्रोक्षण उसका अंग है ब्रीहीन प्रोक्षति तो ये तृतीय तृतीय का वो हो गया और इसके इसके बाद जो है के बाद मूल में सप्तमी का आहवनीय जो होती है इस तरह से आहवनीय अग्नि में जो किया जाता है वो आधार रूप से किया जाता है वैसे चतुर्थी का भी आपने बताया आहवनीय जो होती में अंगांगी भाव कैसे कौन अंग है कौन जो है आधार है अंग है अंगी जो है वहाँ हवन मित्रवरुणाय दंडम प्रयच्छति ये चतुर्थी का उदाहरण है और मध्या पूर्वाच भविष्यो अवद्यति ये षष्ठी ये पंचमी का है यजमानस्य याज्ञा ये षष्ठी का उदाहरण है ठीक है बढ़िया ये अंगांगी भाव में श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान समवाये पार दौर्बल्य प्रकर्षा ये सूत्र पर विचार कर रहे हैं तो पहले हम श्रुति का विचार किया निरपेक्षो रवह श्रुति ये निरपेक्षो रवह इसी शब्द से ही अन्य पांच प्रमाण की अपेक्षा ये नहीं करती है ये बताया पांच प्रमाण के अपेक्षा के बिना करते अच्छा कल एक और याद करने के लिए बोला था ये आहवनीय दक्षिणाग्नि और गार्हवत्य ये कौन कौन है ये टीका में जो बताया है इसको याद करने के लिए कहा था इसको याद कर लेना है ये आहवनीय कहाँ होता है आहवनीय कौन सी दिशा में पूर्व दिशा में पश्चिमी दिशा में गार्हवत्य है और दक्षिण दिशा में दक्षिणाग्नि है और बीच में अविरासन है दोनों के बीच में आहवनी और गार्हवत्य के मध्य भाग में लगता ये भी समझ करके रखना है तो ये निरपेक्ष श्रुति का और आगे अर्थ बताते हैं कि निरपेक्ष श्रुति में निरपेक्ष शब्द आया इसका क्या तात्पर्य है
इसको आगे मूलकार स्वयं कह रहे हैं। 78 पेज नंबर 78 कंडिका 20 सेयम श्रुतिर लिंगादिभ्य प्रबला लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजकः शब्दो अस्ति किन्तु कल्प्यः सेयम सेयम श्रुति ही निरपेक्षो रवह श्रुति ही ये जो लक्षण किया ये जो श्रुति है लिंग आदिभ्यः प्रबला लिंग आदि अन्य पांच प्रमाणों से प्रबल है सबसे प्रबल है तो शब्द सामर्थ्यम लिंगम ये लक्षण आगे आएगा शब्द में जो सामर्थ्य है उसका नाम यहाँ लिंग है अभी आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग इसको लिंग शब्द से जानते हैं ये लिंग नहीं है यहाँ और जो लिंग शरीर करके जो सांख्य आदि में बोला जाता है सूक्ष्म शरीर को वो लिंग भी यहाँ नहीं है अव्यक्तम लिंगम ये अलिंग जिसको लिंग बोलते हैं महातत्व को भी सांख्य में लिंग बोला गया है वो लिंग भी नहीं है लीनम अर्थम गमय दीदी लिंगम ये लिंग कहा गया था हेतु को लेकर कहाँ का न्याय में तर्क संग्रह में आया था लीनम अर्थम गमय दीदी लिंगम लिंग वहाँ हेतु था अब देखिए एक लिंग शब्द का कहाँ कहाँ कौन सा सब अलग अलग है तो यहाँ आप इसको इस शास्त्र का अलग से अध्ययन नहीं करेंगे तो ये श्रुति लिंग में भी आप वो लिंग ढूंढने लगेंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये तो सब समझ में आए इसलिए शब्द एक होने पर हर एक दर्शन में जितने भी आप देखते हैं सब में व्याख्या में अंतर है अब जो आप समझते हैं वैसा सामान्य रूप से नहीं श्रुति शब्द से आप वेद को समझते हैं श्रुति वेद है ऐसा समझते हैं किंतु मीमांसकों के वहाँ ये विशेष रूप से है इसका इसकी व्याख्या अलग है मेरा व्यक्ति वहा श्रुति इस प्रकार से श्रुति की अलग व्याख्या की इसी प्रकार लिंग अन्य सभी अर्थ में जो लिंग है वो लिंग है ही नहीं यहाँ शब्द सामर्थ्यम लिंगम आगे लक्षण आएगा अभी तो शब्द में जो सामर्थ्य है जिसको हम शक्ति वृत्ति बोलते हैं शक्ति वृत्ति जो बोलते हैं ना शब्द सीधा अर्थ जो बताता है वो शब्द सामर्थ्य होता है शब्द में सामर्थ्य क्या है शक्ति ही तर्क संग्रह में आया ना ईश्वर निश्चय से जो शक्ति होता है ईश्वर इच्छा से जो शक्ति है वही शक्ति है इसी के अर्थ में ये लिंग बोला गया शब्द सामर्थ्य को लिंग कहते यही लिंग प्रमाण का लिंग है अन्य कभी कभी लिंग अन्य शब्द में प्रयोग होता है किंतु यहाँ लिंग प्रमाण कोई लिंग का प्रमाण शब्द का भी ये छह में प्रयोग होगा इनके यहाँ प्रमाण शब्द अन्य प्रमाण को भी लेते हैं प्रत्यक्ष आदि भी प्रमाण है किंतु इस प्रसंग में विनियोक्त विधि के प्रसंग में ये जो श्रुति आदि जो छह आया है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये जो छह है यही प्रमाण रूप से कहा जाता है अभी सारा प्रमाण शब्द का विचार इसी पर होगा तो कहते हैं लिंग आदिभ्य प्रबला लिंग आदियों से ये प्रबल है श्रुति ऐसा जानना चाहिए क्योंकि लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजकः शब्दो अस्ति ये लिंग आदि में प्रत्यक्ष विनियोजक कोई शब्द नहीं है ये विनियोक्तृ विधि का विचार चल रहा है कि वहां प्रत्यक्ष विनियोक्तृ नहीं है है ना कि श्रुति आदि जो श्रुति की दृष्टि से देखेंगे तो ये प्रत्यक्ष विनियोग नहीं करता है लिंग शब्द यद्यपि है शब्द सामर्थ्य है लिंग किंतु प्रत्यक्ष विनियोजक नहीं होता मतलब सीधा विनियोजक नहीं होता प्रत्यक्ष कहते हैं साक्षात करना तो लिंग आदि शुलिंग आदि जो अन्य पांच है न प्रत्यक्षो विनियोजक शब्द होती प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द नहीं होता है वो क्या करते हैं ये लिंग आदि को श्रुति के सहारा से ही अर्थ करना पड़ता श्रुति को आश्रय लेके अर्थ करते हैं इसलिए अर्थ विप्रकर्षाद में हमने कहा एक एक श्रुति से जितना दूर में है
उतना वो अर्थ विप्रकर्ष हो जाएगा, उतने की कल्पना करनी पड़ेगी। कि जैसा श्रुति लिंग वाक्य है, वाक्य का प्रमाण लेते समय वाक्य को लिंग की कल्पना करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद श्रुति की कल्पना करके संबंध करेगा। और श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण होगा तो प्रकरण से वाक्य पहले आएगा, वाक्य के बाद लिंग की कल्पना, फिर उसी से श्रुति की कल्पना, अर्थ विप्रकर्ष होते जाएगा, दूर दूर जाते हैं। इसलिए कहा लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजक शब्दो अस्ति, कोई शब्द नहीं है, किंतु कल्प्य कल्पना करनी पड़ेगी, ऊहन करना पड़ेगा। ये ऊहन का एक विषय अलग ही रखा है उन्होंने, क्योंकि बहुत जगह ऊहन करना पड़ता है, और ऊहन ऐसा वैसा नहीं कर सकते। आप बैठ करके ध्यान करके हमने ऊहन किया ये ऐसा हो जाएगा करके आप बोलते हैं, ऐसा नहीं। ये परंपरा चल पड़ी है, इस परंपरा का एक पूर्व स्थिति है ये। ये ऊहन का मतलब सारे प्रमाण आपके पास उपस्थित है, सब कुछ आपके याद में है, फिर भी वहां आगे पीछे संगति नहीं लग रहा, तब जाकर के एक के दूसरे के कल्पना और शास्त्र अनुसार नियम अनुसार करना पड़ेगा। आप आंख बंद करके ध्यान लगाया, मुझे ये आज ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होगा। ऐसे में उसको ऊहन नहीं करते, शास्त्र प्रमाण से संबंधित होना चाहिए। इसलिए ऊहन करने के लिए, ऊहन करना मतलब चिंतन करना, आगे की कल्पना करना, उसके लिए बहुत सारे नियम है, और उसके अधिकारी की भी निश्चय किया गया, कौन से अधिकारी ऊहन कर सकता। जैसा ये ऋतिकों में 16 ऋतिक है, 16 ऋतिक में जो ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा चारों वेद को जानता है। यदि भी ब्रह्मा अथर्ववेद का मुखिया है, तब भी ये चारों वेद को जानता है और सारा कर्मकांड को जानता है, तभी वो ब्रह्मा बन सकता है। तो उसको दक्षिणा जो मिलता है सब ज्यादा मिलेगा, दक्षिणा का भी बताया ना, किससे कितना मिलता है ब्रह्मा को, 120 रुपया दक्षिणा मिलेगा, हाँ, फिर उसके नीचे 60 रुपया, और उसके बाद 40, फिर सबसे नीचे 30 रुपया, मतलब 250 रुपया के हिसाब से रखेंगे तो ऐसा हो, 1000 रुपया पूरा ऋतिकों को दक्षिणा देने को रखा तो ये ऐसा, उसका जितना मात्रा बढ़ाएगा उतने हिसाब से आप करना। तो ये ब्रह्मा सब जानता है, आगे पीछे कैसा कैसा करना जानता है, तो वो अब उन नियमों का पालन करते हुए ऊहन करेगा। ये ऊहन अध्याय 9वां अध्याय का नाम है, आपने पहले बताया था केवीजी सूत्र का जो 12वां अध्याय में 9वां अध्याय को ऊहन अध्याय बोलते हैं, वहां ऊहन के सारे नियम बताया, कहां कहां किसके किसको ऊहन करना चाहिए, उसके हिसाब से करेगा। उसके लिए उतना अधिकारी बनना पड़ेगा, आपको पूरा शास्त्र नियमानुसार जीवन विदित करना है, शास्त्र का खूब अभ्यास करना है, तब सब कुछ आपके साथ उपस्थित है, तब जाकर के आप कर्म कर सकता है। इसीलिए ये कर्मकांड में जाने वाले को इतना दक्षिणा देते थे, क्योंकि बहुत परिश्रम किया है और पूरा जीवन उनका ये दक्षिणा से ही चलता है, और कोई कमाता नहीं है, तो लोग वो है इसको क्या क्या आपत्ति उठाते हैं उनको समझ में नहीं आता है। आपको एक वेद के एक शाखा उठा के देंगे, इसको याद करके वो लोग बोलते हैं, तब पता चलेगा कितना परिश्रम होता है, नहीं हो पाता है। और जब कर्मकांड करते समय पुस्तक लेकर के नहीं होते, पुस्तक लेकर के देखने का समय नहीं है, आपका आगे पता चलेगा। हाँ, एक याग है सत्यक्री नाम के, एक याग है सत्यक्री नाम याग है, ये सोमयागों जो सोमयाग है वो 6 दिन का होता है, उस सोमयाग का वो 6 दिन के सारे क्रिया को एक दिन में करते, एक दिन का सोमयाग, उसका नाम है सद्यस्क्री, आगे आएगा। वो सद्यस्क्री याग में 6 दिन का सारा कर्म को आपको एक दिन में समेटना पड़ेगा, ये एक दिन में करके दिखाने के लिए 6 दिन का जो कर्म है वो एक दिन में करने के लिए आपको पूरा जल्दी जल्दी करना पड़े। सद्यस्क्री मैंने वो सद्य मैंने जल्दी, वो तुरंत करता है सबका। अब ऐसे में आपको किताब देखने के पलटने के वो कौन सा पेज में लिखा है पर इसमें क्या लिखा है वो भूल गया है, नोटबुक भूल गया, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, वो सारे उपस्थित होना चाहिए, तब जाकर के वो जो नियम बताया सुबह से लेकर शाम तक पूरा आपको उसी में रहना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा होगा कर्मकांड पूरा होगा। तो ऐसे में यहाँ बहुत परिश्रम होता है इन मंत्रों को याद करके। अब वो बाकी वो खेती करने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है, व्यापार करने के लिए टाइम नहीं रहता है, और कुछ करने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है, उसके लिए जाएंगे तो फिर ये नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके लिए गया है हमारे सारे ब्राह्मण, इसके कारण हमारा वेद अभी नहीं, कोई वेद पढ़ने के लिए कोई समय नहीं है उनके पास, कितना पढ़ेंगे। एक पुरुष सूक्त पूरा अपने जीवन में पढ़ ले है, यही बड़ी बात होती है।
और संध्या तक पूरा कर रहे हैं, ये भी नहीं होता। ऐसे में कहां वेद पढ़े, तो अन्य काम में लगा दिया, तो अन्य कामों को ब्राह्मण से अलग कर दिया इसलिए कि वो ब्राह्मण मिलकर के ये करे तब इसकी रक्षा हो। अब जब वो ऐसा करता है तो उसको जीवन के लिए तो खाना पीने के लिए कुछ व्यवस्था तो करना पड़ेगा, उसके लिए राजा महाराज ऐसे यज्ञ करेंगे, फिर उसमें दक्षिणा देंगे, उससे जो है दान से उनका काम चलता है। तो इसलिए खेती नहीं करने के लिए बोला, खेती करने से कोई पाप होता ऐसा नहीं, खेती करने पर वो स्वकर्तव्य से च्युत हो जाए। व्यापार करने जाएगी उसकी पूरे बुद्धि जो है व्यापार में लगेगी, इधर से उधर से करके अब वेद कैसे पढ़ेगा, उसका अर्थ कैसे समझेगा, मीमांसा कैसे देखेगी, टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। आप लोग चार क्लास में बैठ रहे तो आपको पता चल रहा है कितना आपका टाइम जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे, फिर आपने ऐसे करके जो है आप परेशान हो रहे हैं चार पाठ में बैठने से, इसीलिए तो आप सोच लो पूरा वेद पढ़ने को आपको कहा गया तो क्या करेंगे आप, तो सुबह से लेके पूरा उसी में लगना पड़ेगा। इस कारण से ब्राह्मणों को ऐसा रखा गया, लोग इसको नहीं समझते हैं, उनको तो अपनी बुद्धि जब ब्राह्मणों को ये करने के लिए उनको देखना क्यों देना है, वो फालतू बैठे बैठे खाता है, ऐसे ऐसे करके उनको करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो उसका परिश्रम सबसे श्रेष्ठ है कि अन्य कोई इसका परिश्रम नहीं कर सकता है। तो इसलिए श्रेष्ठतम कर्म का जो ये है, श्रेष्ठतम कर्म है यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, ये श्रेष्ठतम कर्म है, अन्य कर्म से ये अलग है। तो बाकी जो जिनके जैसा अधिकार है वो अधिकार के हिसाब से अपने अपने करेगा, तो बाकी सब काम ऐसे ऐसे हो जाएगा, इसीलिए तब तक व्यवस्था करके दिया। तब वेद जब रक्षित रहेगा तो हमारी संस्कृति भी रक्षित रहेगी और सभी लोग उससे फायदा उठा सकेंगे, आगे ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, तब तक फल को प्राप्त करेंगे, सब कुछ होगा। अब कोई आप सद्यक्रिय कम जो कर्म है सोमया करने के लिए आप भारत में आदमी ढूंढिए, नहीं मिले, नहीं मिलेगा, वो उसके लिए क्षमता रखने वाले हैं। सामवेद की कितनी शाखाएं नष्ट हो गई, कोई पढ़ने वाला नहीं, तो क्या करें, क्यों सब लोग अभी स्कूल में जाते हैं कॉलेज में जाते हैं सुबह से उठ करके वो जाते हैं, कहां उनको पढ़ने के लिए संध्या सीखने के लिए समय नहीं है। ब्राह्मण अपने जात से ब्राह्मण है, वो बस ब्राह्मण ब्राह्मण बोलते हैं, बस ब्राह्मण का कुछ नहीं जानता, संध्या भी नहीं जानता, शिक्षा सूत्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आचमन करना नहीं जानता, तो क्या करेंगे, क्या ब्राह्मण होगा। तो उनको कोई दक्षिणा नहीं देना चाहिए, ऐसे जो ब्राह्मण है जिनको कोई दक्षिणा नहीं, वो दक्षिणा के लायक नहीं है, वो नियम बताया दक्षिणा किसको देना है, कौन किसको दक्षिणा देना है, ये नियम है। खाली ब्राह्मण बोले तो उनको वो तो न संध्या करता है, न शिखा है, न सूत्र है, ना गायत्री लिया है, कुछ नहीं है, ऐसे ब्राह्मण है जाली से मिला के दक्षिणा देंगे तो उसको उल्टा पाप देंगे, क्योंकि एक बार दक्षिणा देने के बाद उनको कितनी गायत्री का जप करना है ये शास्त्र में कहा, वो दक्षिणा के बाद वो जप नहीं करेगा तो उसको पाप देंगे, ऐसा उसको संग्रह दोष बोलते हैं, संग्रह करने का परिग्रह दोष, संग्रह दोष ये बोलते हैं, परिग्रह करने का दोष लगेगा, इसलिए वो संभल के लेगा कि ज्यादा उनको नहीं चाहिए, जितना अपने जीवन के लिए चाहिए उतना रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। उनको बोला है कि एक ज्यादा सा ज्यादा आप कमाई कर सकते हैं एक साल के लिए, मतलब जितना रखने से एक साल चला, एक साल से अधिक कमा कर रखने का अवकाश नहीं होना चाहिए, उसका अधिकार नहीं है ब्राह्मण, ऐसे सब नियम बनाया। क्यों, अब एक साल के ज्यादा इकट्ठा करके रखेगा उसको संभालने में उसकी बुद्धि चले जाएगी, वो वेद पढ़ेगा नहीं, ये करेगा नहीं, इसमें आस्था उसकी चले जाएगी, अब इसकी आस्था चले जाएगी तो पढ़ेंगे, अब यही उसका सब आश्रय है, वेद के बिना हमारा जीवन नहीं है, वेद पढ़ने से कर्मकांड करने से ही हमको दक्षिणा मिलेगी तभी हमारा जीवन, तभी आपकी आस्था वही बने रहेगी। जैसे आजकल लोगों को नौकरी में आस्था है, क्यों, नौकरी करने से नहीं कमा सकता है, जीवन में कुछ नहीं होता है, और जो फालतू घूमना बटे सारी आस्था वहां चलेगी, तो वेद को आप कितना भी सिखाने के लिए बोलो, वेदांत सिखाने के लिए बोलो, पाठ में बुलाओ, नहीं आया, उसकी आस्था पूरा वही है, जहां से कमाई होता है ना स्वाभाविक आस्था वही चले जाती है, और कुछ नहीं है इसमें, रहस्य इतना ही है, जहां से अपने जीवन के लिए आपको कमाई होता है, आपको यश मिलता है, स्थान मिलता है, आदर मिलता है, स्नेह मिलता है, वो और पैसा भी मिलता है, तो वही जाएगा, वो कौन सा कर्म है ये देखेगा, ये करते हैं। इसलिए आस्था बनाने के लिए ये सारे बना के रखा, इसके सूक्ष्म विचार करने से आपको मालूम होगा इन्होंने बहुत सोच करके व्यवस्था बना के रखा। और आजकल ये लोग हमारे दृष्टि से तो ये अनपढ़ है, ये तो जानते नहीं है कि ये शास्त्र का क्यों ऐसा रखा है, क्यों नियम रखा था, ये क्यों ऐसा करना है, ये जानते नहीं,
वो अपने बुद्धि से अपने जो है जो आधुनिक शास्त्र को जैसा भी मान करके यही सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए एक है, सबके लिए ये है, सब करके बोलते हैं, कुछ नहीं होता है। इसीलिए ये नियम जानना पड़ेगा कि ऊहन कहाँ करना है, ऊहन कहाँ नहीं करना है। आप ऊहन करने में स्वतंत्र नहीं है, शास्त्र के अनुसार ऊहन करना पड़े, इतने सामर्थ्य क्षमता आप में वो तब कर सकता है। उस व्यक्ति को बिठाएंगे ब्रह्मा रूप से, वो तो बिल्कुल देवता तुल्य होता है, उसका जीवन भी इतना ऐसा होगा और पूरा उनका ज्ञान भी ऐसा होगा और इतना सूक्ष्म से विचार करके वो बैठा हुआ होगा तो वो देवता तुल्य। इसलिए वो उनको कहा उतने उनके शुद्धता हो तभी होता है, और ऐसे लापरवाही करने से होने वाला नहीं। वेद पढ़ ही नहीं सकते आप, और उससे बाहर अपने आप बाहर हो जाए, उनके दिमाग में घुसेगा नहीं जब तक आप पूरा उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए वो अधिकारी का निश्चय किया, ऐसे अधिकारी वो कल्पना करेगा कि लिंग आदि के इस प्रमाण के द्वारा कल्पना करेगा। यावच्च तैर्विनियोजक शब्दः कल्प्यते, तावत् प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन, तेषां कल्पकत्वशक्तेर्व्याहतत्वात्, कारण बता रहे हैं कि यावच्च तैर विनियोजक शब्दः कल्प्यते, उन लिंग आदि के द्वारा जितने समय में अंतराल में आप विनियोजक शब्द की कल्पना करते हैं, विनियोजक शब्द वहां कोई होना चाहिए, यजन इत्यादि जो भी होना चाहिए, विनियोजक शब्द को ढूंढना पड़ेगा, तो विनियोजक शब्द की कल्पना करते हैं जिससे अंग अंगी भाव का साक्षात संबंध का ज्ञान हो जाए, यही तो विनियोग की विधि है। अंग-अंग भावी संबंध होने के बाद ही आप क्रिया कर सकते हैं, उसके लिए कोई शब्द की कल्पना करनी पड़ेगी। तो जितने समय में आप ये सारे हिसाब करके जब कल्पना करेंगे उतने समय में तावत् प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वे, तो प्रत्यक्ष श्रुति तो सीधा ही विनियोग कर देगी, प्रत्यक्ष श्रुति साक्षात विनियोग करेगी, वहां कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। जैसा ब्रीहिभिर् यजेत, बोल दिया, पशुना यजेत, तृतीय श्रुति है, एक पद श्रुति बोल दिया, तो उसी से सीधा आपको संबंध मालूम पड़ रहा है। ऐसे में वहां पर साक्षात कार्य होगा कि लिंग आदि की कल्पना करके विलंब करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसके कारण श्रुति को मुख्य माना गया। तेषां कल्पकत्व शक्तेर व्याहतत्व, और ये जो लिंग आदि में जो कल्पकत्व शक्ति है वो व्याहत भी होती है, वो मतलब नष्ट भी होती है, वो कमजोर भी रहता है, क्योंकि श्रुति के जैसे प्रबलता है अन्य किसी में वो प्रबलता नहीं है, इसलिए व्याहतत्व दोष भी उसमें आता है। इसके कारण इन सब में से श्रुति को मुख्य माना गया। इसको यदि ठीक से आप समझ के रखेंगे तो शास्त्र का कहीं भी, वेदांत में हो, कर्मकांड में है, उपासना में हो, कहीं भी हो, श्रुति का ठीक ठीक आप अर्थ कर पाए ये श्रुति लिंग वाक्य, क्योंकि किसके आधार पर वहां निर्णय दे रहा, वो श्रुति को लिंग को वाक्य को किसको ले रहा है वो आपको ठीक समझ में आएगा, तो उससे आप मान सकेंगे कि क्या हो रहा है। तो निश्चय होता है कि अब यहाँ मालूम होगा जब ब्रह्मसूत्र आएगा, ब्रह्मसूत्र में कई जगह इसी के द्वारा निर्णय लिया गया, तो हर जगह पूरे वेद में ये लागू है, तो ये सूक्ष्म अंदर तक जाएगा कि आगे पीछे नहीं जाएगा, गलत अर्थ नहीं आएगा, पूरा सही अर्थ में बिठा दे। इसलिए कहा कि तेषां मने लिंग आदि नाम कल्पकत्व शक्तेर व्याहदत्वा, कल्पकत्व शक्ति व्याहत होती है, मतलब वो अन्य के प्रतिघात में आ जाती है, इसलिए वहां प्रबल कहा गया, उसको कहा प्रबल कहा सुधी। अतएव इंद्रियालिंगाद्नेन्द्रोपस्थापनार्थत्वम्, किन्तु ऐन्द्रियागर्हपत्यमुपतिष्ठत,
नित्यत्र गार्हवत्यमिदिरिया श्रुत्या गार्हवत्यस्य उदाहरण देके इस बात को समर्थन कर रहे हैं कि एक श्रुति है ऐन्द्रिया गार्हवत्यम उपतिष्ठते, एक वाक्य आया ऐन्द्रिया गार्हवत्यम उपतिष्ठते। इसमें पहला पद है ऐन्द्रिया, इंद्रस्य इयम ऐन्द्री, ये ऋक है, ऐन्द्री शब्द बनाया, तृतीय एकवचन में ऐन्द्रिया बनाया, ठीक है। इंद्र संबंधी ये ऋक है, एक को ऋचा मंत्र है वो इंद्र संबंधी है, तो ऐन्द्रिया तृतीय एकवचन। गार्हवत्यम, गार्हवत्य अग्नि, अभी गार्हवत्य के बारे में कहा ना कल, तो गार्हवत्यम उपातिष्ठते, उसका उपस्थापन करें, ये कहता तो ऐन्द्रिया गार्हवत्यम उपातिष्ठते, ये वाक्य आया। अब यहां देखिए ऐन्द्रिया में ये शब्द है ऐन्द्रिया, तृतीय श्रुति दिखाई पड़, तृतीय एकवचन दिखाई पड़ रहा। अब ये ऐन्द्रिया से क्या लेना, तृतीय एकवचन से ऐन्द्रिया लेंगे तो गार्हवत्यम में द्वितीय श्रुति है, उपाधिष्ठते तो क्रियापद, ठीक है ना। यहां संशय आता है कि ऐन्द्रिया शब्द से क्या अर्थ लेना चाहिए, कि जो कि वो करण में दिखा रहा है, करण है तो मुख्य अंग बनेगा, वो संबंध दिखा रहा है ना, तो उपाधिष्ठते इसका संबंध है, वो संबंध लेना है, और बीच में गार्हवत्यम में द्वितीय श्रुति स्पष्ट रूप से कर्तृ इष्टतमं कर्मा से वो हो जाए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ क्या है, वाक्य बहुत सरल है, ऐन्द्रिया इंद्रिय इंद्रिय इंद्र संबंधी के द्वारा ऐसे ऋचा के द्वारा गार्हवत्य को उपस्थापन करे, गार्हवत्य अपनी को उपस्थापन करे, तो उपस्थापन करना यहाँ एक अंगी हो सकता है और गार्हवत्य अंग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, द्वितीय श्रुति के द्वारा लेंगे तो ऐसा हो, एक तो चांस वो है। दूसरा है ऐन्द्रिया को हम अंग मानेंगे तो कर्तृ इष्टतम कर्म से गार्हवत्य द्वितीय श्रुति होने से वो अंग बन अंगी बनेगा, ऐन्द्रिया अंग बनेगा और गार्हवत्य अंग बनेगा, और गार्हवत्य भी अंग बन सकता है और उपाधिष्ठते का अंगी बनाने से, इस प्रकार से दो प्रकार अर्थ कर सकते। अब यहां दोनों प्रमाण उपस्थित है दिखाना चाहते, श्रुति प्रमाण भी है यहां और लिंग प्रमाण भी, कैसे कि श्रुति प्रमाण से आप देखेंगे तो जो उपाधिष्ठते के पहले द्वितीय श्रुति है, द्वितीय श्रुति कहां है, गार्हवत्य में द्वितीय और ऐन्द्रिया में तृतीय श्रुति। अब ये ऐन्द्रिया से क्या लेना है यही निश्चय करना है, यदि ऐन्द्रिया से एक अलग द्रव्य को अलग देवता को लेंगे तब तो वो अंग बन जाएगा, तो ऐन्द्रिया से एक पहला अर्थ है, अभी लिंग प्रमाण से लेंगे तो शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्द का साक्षात अर्थ जो आ रहा है, ऐन्द्रिया सुनने पर सबसे पहले आपके मन में क्या आता है, इंद्र याद आ जाता है, इंद्र को याद करेंगे आप, तो शब्द सामर्थ्य से लिंग प्रमाण से इंद्र देवता संबंधी ऐसा दिखाई होता है, इंद्रस्य इयम ऐन्द्रिय ऐसा होता है, समझ रहे, मतलब शब्द सामर्थ्य क्या कहा, इंद्र है, इंद्र सबके लिए प्रसिद्ध है, कभी भी कहीं भी इंद्र आएगा तो हम वही इंद्र को जो वज्रहस्त पुरंदर जो इंद्र है इंद्र को याद करेंगे, इंद्र तो सभी जानते हैं, इसीलिए शब्द सामर्थ्य सीधा क्या दिखाया, इंद्र संबंधी ऋचा ये दिखाया, ऐन्द्री इंद्र संबंधी कोई स्त्री स्त्रीलिंग है तो ऐन्द्री वहां दिखाया, इंद्र संबंधी दिखाया, तो वहां इंद्र संबंधी कोई स्तुति ऋचा को लेना ही है ऐसा दिखाई पड़ता है। अच्छा, अब दूसरा जो गार्हवत्य में देखते हैं तो गार्हवत्यम श्रुति है, वो द्वितीय श्रुति है, जैसा आया ना द्वितीय श्रुति है, तो द्वितीय श्रुति है, मेरी प्रोक्षति जैसा द्वितीय श्रुति,
ये श्रुति कह रहा है गर्भवत्य को उपस्थापन करा, उपस्थापन क्रिया के साथ गर्भवत्य का संबंध दिखा। तो गर्भवत्य का संबंध को यदि मुख्य लेंगे तो ये आइंद्री को हम लिंग प्रमाण से इंद्र को लेना पड़ेगा। अभी इंद्र को किस अर्थ से लिया? लिंग प्रमाण से लिया। लिंग प्रमाण शब्द सामर्थ्य, इंद्र से हम सुपरिचित है तो इंद्र शब्द सुन के वो याद आ गया तो इंद्र के संबंध ऐसा लिया, बाकी हम परिचित नहीं है, है ना। ऐसे में यहां शब्द का अर्थ यदि हम लोग सामान्य करेंगे तो कोई भी व्याख्याता, देखिए व्याख्याता का अर्थ गलत कैसा होता है ये इधर पता चलेगा, कोई भी व्याख्याता इसका अर्थ करेगा तो ऐसे ही करेगा, इंद्र संबंधी के द्वारा गर्भवत्य को उपस्थापन करें। संस्कृत जानने वाले इतना करें किंतु इतने से काम नहीं चलता। ये उधर आगे पीछे आपको बहुत देखना पड़ेगा, वहां दोनों आ गया। इंद्र संबंधी शब्द से आप इंद्र प्रसिद्ध इंद्र को लेने पर भी अर्थ लग रहा है, कोई विरोध नहीं बोल सकता, इंद्र संबंधी होने से आइंद्री हो जाएगा, है ना। किंतु आगे गर्भवत्य श्रुति भी है तो यदि इसको अंग बनाते हैं तो गर्भवत्य को अंग ही बनाना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। तब वहां अन्य मतलब प्रमाण से यह है कि गर्भवत्य को मुख्य माना, गर्भवत्य को मुख्य मानने पर यह गर्भवत्य का एक नाम इंद्र भी है, जैसा कल गर्भवत्य को पिता कहा ऐसे गर्भवत्य को इंद्र नाम से कहा गया, गर्भवत्य अग्नि को इंद्र कहा है, यह आगे आपको टीका में दिखाएंगे, वहां मंत्र दिया है। तो गर्भवत्य को इंद्र कहा यह तो प्रसिद्ध नहीं, आप जानते नहीं, लिंग प्रमाण तो वही लिंग इंद्र को कह रहा था, गर्भवत्य के बारे में लिंग प्रमाण पर ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द से नहीं आ रहा। गर्भवत्य का लिंग प्रमाण से लेने नहीं, लिंग प्रमाण से लेना गर्भवत्य का संभव नहीं क्योंकि गर्भवत्य लिंग प्रमाण की शब्द सामर्थ्य सिद्ध नहीं है, विशेष स्थिति में सिद्ध है। ऐसे में गर्भवत्य संबंधी जो ऋचा है वही यहां आ जाए, इंद्र संबंधी ऋचा चला जाएगा, गर्भवत्य संबंधी जो ऋचा है वो इंद्री हो जाए, ठीक है ना। तो लिंग प्रमाण चला गया, श्रुति के बल पर लिया क्योंकि गर्भवत्य को कहा गया है तो गर्भवत्य को देख करके उसमें द्वितीया श्रुति जो गर्भवत्य को देख करके गर्भवत्य संबंधी जो ऋचा है उसके द्वारा गर्भवत्य को उपस्थापन करें, ये हो जाएगा। तो गर्भवत्य का उपस्थापन जो करना है मतलब उसका आवाहन करना, उपस्थापन करना, ये उपस्थापन करना जो है वो वहां अंग ही बनेगा, ये ऋचा के सहित जो गर्भवत्य जो द्वितीया श्रुति है वो अंग रूप से काम है। यहां बल पूर्वक दे करके हम गर्भवत्य को संबंध किया, इसलिए क्या हो गया जो उपस्थापन क्रिया को अंग बना करके इस प्रकार से वो संबंध हो गया, अंगांगी भाव से संबंध हो गया, ये दिखा। तो ऐन्द्रिया लिंगात इंद्र उपस्थानार्थकम, ऐन्द्रिया इस शब्द से लिंग प्रमाण से लेंगे तो ऐन्द्र का उपस्थानार्थकत्व आए, और ये जो कर्मकांड जानता है यही जानेगा। अब उधर बैठा हुआ क्या समुद्र पार में बैठा हुआ वो क्या कर्मकांड जानता है, उसको पता नहीं है, वो लिखेगा या इंद्रिय बने इंद्रिय संबंधी लिखेगा, और जो कर्म करता है वो वेद को जानता है, वो जानता है कि ये गर्भवत्य भी इंद्र का नाम, इंद्र शब्द से कहा गया है, गर्भवत्य तो उसका नाम है, उसके द्वारा वो कहता है क्योंकि गर्भवत्य अग्नि का उपस्थापन करने वाला जानता है कि कौन सा ऋचा वहां पढ़ा जाता है। वो आप हमको मालूम नहीं है, वो उपस्थापन करने वाला जो कर्मकांडी होगा ना उसको पता रहता है कि ये ऋचा हम वहां पढ़ते हैं तो ये ऋचा तो गर्भवत्य संबंधी ऋचा है, इंद्र संबंधी ऋचा नहीं है, इसलिए गलत हो जाता, सारे गलत हो जाते, इसलिए उसको सीखना पड़ता, बहुत सूक्ष्म चीज है। तो शब्द से व्याकरण से नहीं चलता है, व्याकरण को तो है आइंद्री शब्द को जानने के लिए व्याकरण चाहिए, तो इंद्र शब्द में कौन सा प्रत्यय लिया है, कैसे वृद्धि हुआ है, कैसे ऐन्द्रिय बना है, ये सब जानने के लिए आपको चाहिए, किंतु उसके आगे आपको बाकी प्रश्न सब देखना पड़ता है। इन प्रमाणों से निश्चय होगा, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण आदि से निश्चय होगा, बाकी व्याकरण से निश्चय नहीं होगा, तो वो तो समाज के हमें बाद में बताएंगे उसके बारे में। तो लिंगा न इंद्र उपस्थानार्थत्व, इसलिए इंद्र का उपस्थानार्थत्व यहाँ संबंध नहीं है, किंतु फिर क्या है, ऐन्द्रिया गर्भवत्यम उपतिष्ठत, ऐन्द्रिया गर्भवत्यम उपतिष्ठत, इससे करना पड़ेगा,
इंद्रिया के द्वारा गार्हपत्य के उपस्थापन करें। इत्यत्र गार्हपत्यमिति द्वितीया श्रुत्या, गार्हपत्य इस शब्द में जो द्वितीया श्रुति है इसके द्वारा गार्हपत्यस्य गार्हपत्य उपस्थानार्थत्व, गार्हपत्य का उपस्थान करना। उपस्थान क्या होता है? उपस्थानम नामा मंत्र अभिधान पूर्वकम उत्थापनम समीप गमनम वा, इसको उपस्थापन करते हैं। उपस्थापन शब्द और आएगा, उपस्थापन मैंने मंत्र पूर्वक, मंत्र के अभिधान पूर्वक मंत्र उच्चारण करता हुआ या तो गार्हपत्य के संबंध, गार्हपत्य को निकट जाना, गार्हपत्य को लेकर के निकट जाना, गार्हपत्य के साथ साथ जाना, अथवा उत्थान करना, इसको कहते हैं उपतिष्ठति का गार्हपत्यम उपाधिष्ठते, गार्हपत्यम उपदिष्ठते, उपदिष्ठते। तो यहां ये इंद्रिया इसका जो है संबंध करके तृतीय अर्थ में भी लिया, या इंद्रिया षष्ठी एकवचन भी हो जाए, नद्या जैसा षष्ठी एकवचन भी होगा। इंद्रिया है ना, इंद्रिया तृतीया में भी नद्या और उसके बाद नद्याह बनता है, तो इसमें विसर्ग लोप होने के बाद वही सही रहेगा, भोग होगा पूर्वस्य इत्यादि से विसर्ग लोप हो जाएगा, विसर्ग लोप होने पर इंद्रिया ऐसे ही रहेगा, देखने में ऐसे रहेगा, तो षष्ठी अर्थ भी लग सकता है। इत्यत्र गार्हपत्यमिति, ये गार्हपत्य ये है श्रुति, द्वितीया श्रुति, अभी द्वितीया श्रुति का उदाहरण दिया था आपको, वो द्वितीया श्रुति से गार्हपत्य उपस्थापनार्थत्व, गार्हपत्य का उपस्थापन करना ये संबंध हो गया। तात्पर्य क्या हुआ कि गार्हपत्य के बाद जो सुने गए जो द्वितीय श्रुति है द्वितीय विभक्ति, द्वितीय श्रुति का मतलब द्वितीय विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति में गार्हपत्य निष्ठ प्राधान्य का निश्चय हो गया, क्योंकि वो श्रुति बलवती है, वह गार्हपत्य को प्राधान्य मान करके तत्कर्म जो है तत्संबंधी जो कर्म है उपस्थापन, उपस्थान वो जो है उपस्थान वो मंत्र उसी का अंग को बोध कराए, तो ये उपस्थान संबंधी कर्म का अंग बोध हो जाएगा गार्हपत्य संबंधी जो श्रुति है, जो मन गार्हपत्य संबंधी जो भी ऋजा होगा वो पढ़ करके उपस्थापन करना है, उपस्थान करना है, उपस्थान करना मतलब वहां उत्थान करना, समीप उपस्थापन होता है वो आवाहन करके बिठा रहते हैं, यहाँ उपस्थापन समीप गमन है तो उसके पास जाना या खड़े होना, जो कर्म करते हैं वो जानते हैं कि क्या पढ़ करके उनके पास जाता है, फिर लेके आता है, अग्नि लेने के लिए जाता है, अग्नि को उत्थापन करने के लिए जाता है, तो उस समय एक मंत्र पढ़ा जाता है, तो कैसे करना है सब नियम है, तो इसलिए एक जानने वाला ही जान सकता है, उतना मैंने जहाँ हमारे अधिकारित्व तो नहीं है, अभी हम वेद के कर्मकांड भाग को व्याख्या करने में अधिकारी तो हमारा नहीं है, क्यों हम वो कर्मकांड को देखा नहीं पढ़ा नहीं है, तो केवल शास्त्र से हम जानते हैं इतना ही है, कर्मकांड ही हम नहीं है ना, तो कर्मकांड जो होगा उसका निर्णय वो करना चाहिए, बाकी जो कर्मकांड नहीं है वो उसका निर्णय नहीं कर सकता। जैसा कोई घर में डॉक्टर है समझो, कोई घर में एक व्यक्ति डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है, मेडिसिन देता है, सब कुछ करता है, और उसकी पत्नी है वो डॉक्टरी नहीं पढ़ी, घर में उसके भाई है वो भी नहीं पढ़ा, सब कुछ नहीं पढ़ा, अब जो है वो क्या सोचती है पत्नी कि मैं डॉक्टर की पत्नी हूँ, है मेरे पति डॉक्टर है, अच्छा ठीक है, तो एक समय क्या है कोई मरीज आ गया घर में, वो सोचे कि तो हमारा तो डॉक्टर तो मेरे पति ही है, इसका मतलब वो भी तो ऐसे ऐसे करता है, किताब पढ़ता है ऐसे करता है, वो फिर दवाई देता है, ऑपरेशन भी करता है ऐसा करके, अब वो कोई ऐसे ही ऑपरेशन का केस था, वो क्या किए वो आ जाओ बस लेट जाओ बोला, उसको लिटा दिया, वो चाकू पाकू सब निकाल दिया, फिर काट करके ऑपरेशन कर दिया, मरीज मर गया। अब जब पुलिस आ गया पुलिस आ गया तो क्या करिए, अब उसके पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो क्या बोलती है कि इसमें क्या है, वो तो रोज ऐसे मरीज कितने आते हैं यहाँ ऑपरेशन होता है, हमने तो देखा है कहीं कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं, चाकू निकाल रहे हैं काट रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, तो हमारे पति तो डॉक्टर है, वो सारे हमने देख लिया, उस हिसाब से हम कर रहे थे, अब वो ऐसे में जो हो गया ऐसे क्या करें, ऐसा थोड़ी होता है,
तो ये जो वसु जानता है वो कहाँ चाकू लगाना है, कितना नीचे लगाना, कितना ऊपर लगाना, कितने तेजी से लगाना, ये जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा डॉक्टर की। अब डॉक्टर के साथ रहने से आप डॉक्टर तो भी बन जाता, इसीलिए ये भी ऐसा, आपने खाली पढ़ लिया देख लिया इतने मात्र से नहीं होता है, इसका पूरा शास्त्र को जानना है, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तब उसमें वो प्रमाण होता है। अब वो कार्य करने के लिए डॉक्टर ही प्रमाण है, आप जो नहीं जानता है वो प्रमाण नहीं, इसलिए आधा अधूरा काम नहीं चलता है। और यजुर्वेद वेद के विषय में एक शब्द भी आप इधर उधर नहीं कर सकते जब, तो उसमें आपको क्या अधिकार है कि आप उसकी व्याख्या अपने ढंग से करें, हो ही नहीं सकता है। कहीं भी हो, वो वेदांत का जो है वेदांत श्रुतियां हो या कर्मकांड की श्रुतियां हो, उसको उस नियम से जानना जरूरी होगा, नहीं तो इस प्रकार की गलती आप करेंगे, जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए उदाहरण दिया, आगे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेगा कि कुछ और अर्थ है और कुछ और जगह ले जाएगा, किंतु इन एक क्रम से जाएगा, एक क्रम को तोड़ेगा नहीं, उनका नियम है, वो नियम के अनुसार आगे चलते रहे। तो यहाँ ये श्रुति और लिंग में समानता दिखाते हुए उसमें क्या क्या है, कैसा हो सकता है, इसके बारे में कहा, और इसमें कुछ टीका में कुछ बातें हैं उसको कल देखें। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूरा अर्थ संग्रह में ये पुल्लिंग वाक्य प्रकरण को यदि अच्छी तरह पढ़ लिया तो पूरा अर्थ संग्रह भी आएगा और बहुत काम का, बाकी तो सब है।